हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू अवेयरनेक्स। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज मैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूनेस्को साइट इन इंडिया वेर प्रेजेंट इन 1 जनवरी 2021 तक यूनेस्को के कितने साइट टोटल इंडिया में थे? तो आंसर होगा 38। और इंडिया पूरे वर्ल्ड में 6 पोजीशन में है। फर्स्ट में है इटली, 55 है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और चाइना में भी 55 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनेस्को साइट वेर देयर इन द वर्ल्ड टिल जून 2020, मतलब 2020 जून तक पूरे वर्ल्ड में कितना साइट था यूनेस्को का? तो उसका आंसर होगा 1121। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टोटल साइट 1121 और इसमें कल्चरल है 869, नेचुरल है 213 और मिक्स्ड में है 39। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज हैव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब कितने कंट्री के पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो इसमें होगा टोटल 167 कंट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग इज नॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इनमें से कौन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? ऑप्शन ए सन टेम्पल कोणार्क, बी एलोरा केव औरंगाबाद, सी रानी का वाव गुजरात और डी जंतर मंतर दिल्ली। तो इसमें बहुत कोई ने सी रानी का वाव गुजरात मारा था, पर ये गलत है। इसका आंसर होगा जंतर मंतर दिल्ली। जंतर मंतर जो जयपुर में है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पर दिल्ली वाला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच साइट ऑफ वेस्ट इंडिया डिक्लेयर्ड इन 1987, मतलब कौन सा वेस्ट इंडिया का जो साइट है जो डिक्लेयर हुआ था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1987 में? तो इसका आंसर होगा एलिफेंटा केव्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2018 विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉज डिक्लेयर्ड, 2018 में कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि डिक्लेयर हुआ था? तो इसका आंसर होगा द विक्टोरिया एंड आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई, ये महाराष्ट्र में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद अहमद लाहौरी वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ, मतलब उस्ताद अहमद लाहौरी किसके वास्तुकार थे? तो इसका आंसर होगा ताजमहल, और ताजमहल आगरा में पड़ता है और ये 1983 में डिक्लेयर हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर जोन रिमूव्ड, यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डेंजर लिस्ट है जिसमें कोई भी साइट अगर इंडेंजर्ड है, अगर वो खतरे में है, तो उसे डेंजर लिस्ट में डाल देता है। पर ये जो साइट है जो रिमूव किया गया था उस लिस्ट में, मतलब ये साइट को फिर से बनाया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया, तो वो तो है हम्बल स्टोन सांता लौरा स्टेप पीटर वर्क्स, और ये चिली में है। ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है और इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए क्योंकि इसमें गलत होने का चांस बहुत हो जाता है। पर देख लेते हैं इंडिया में कौन सा साइट है जो डेंजर लिस्ट से हटाया गया है। हाँ, मोन्यूमेंट ऑफ हम्पी को 2006 में हटाया गया था और मानस वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी को 2011 में। ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि आने वाले शिफ्ट में या सीबीटी 2 में पूछा जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच साइट इज नॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि इंडिया का लिस्ट में नहीं है? रेड फोर्ट, ताजमहल, चार मीनार, आगरा। तो इसका आंसर होगा सी चार मीनार, और चार मीनार हैदराबाद में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसे बनवाया था 1591। इसके मेन आर्किटेक्ट है मीन मोमिन अस्तरवाड़ी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साथी स्तूप वॉज बिल्ड बाय, साथी का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन इज नॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर नहीं आता है? तो फर्स्ट है सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, बी दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, सी कालका शिमला रेलवे, डी कोंकण रेलवे। तो इसका आंसर होगा डी कोंकण रेलवे। ये तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं, और सीएसटी मुंबई में है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, कालका शिमला ये हिमाचल प्रदेश में है। विच हेरिटेज साइट इज नॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, इनमें से कौन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? जंतर मंतर, हवा महल, कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी। तो इसका आंसर होगा बी हवा महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोन्यूमेंट ऑफ हम्पी डिक्लेयर्ड इन विच ईयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कौन से साल में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा मोन्यूमेंट ऑफ हम्पी को घोषित किया गया था? तो इसका ऑप्शन है ए 1983, बी 1984, सी 1986 और डी 1987। तो इसका आंसर होगा सी 1986। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कितना है? तो इसका आंसर होगा 7। इंडिया में टोटल 38 है जिसमें 30 कल्चरल है,
7 नेचुरल है और एक मिक्स्ड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका, डी राजस्थान। तो इसका आंसर होगा ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल 6 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, इनमें से कौन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया का नहीं है, आनंद भवन, भीमबेटका, खजुराहो चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा। तो इसका आंसर होगा ए आनंद भवन और ये इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2019 विच सिटी डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, तो इसका आंसर होगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिक्स साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, कितने मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में है और इंडिया में केवल एक ही है जो कि है काजीरंगा नेशनल पार्क और वो सिक्किम में है। क्वेश्चन, विच साइट इन इंडिया हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ केव्स, और इसका आंसर होगा एलोरा केव्स, इसमें टोटल 34। इसे मैंने थ्योरी के सेक्शन में अच्छे से बताया है जिसका पार्ट 1 मैं पहले बना चुका हूँ और पार्ट 2 इस वीडियो के बाद मैं डाल दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट बृहदीश्वर टेम्पल फाउंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी केरला और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा बी तमिलनाडु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया इज नॉट प्रेजेंट इन महाराष्ट्र, इनमें से कौन सा साइट है जो कि महाराष्ट्र में नहीं है, ए अजंता केव्स, बी एलोरा केव्स, डी एलिफेंटा केव्स, डी चोला टेम्पल। तो इसका आंसर होगा डी चोला टेम्पल्स, और ये चोला टेम्पल्स तमिलनाडु में है। लास्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली कार्बेसर लोकेटेड, ए गोवा, बी दमन एंड दीव, सी अंडमान एंड निकोबार, डी चंडीगढ़। तो इसका आंसर होगा डी चंडीगढ़। फ्रेंड कैसा लगा आज का सेशन, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।